बच्चों को नौकरी जिस तरीके से मिलनी चाहिए, रोजगार जिस तरीके से मिलने चाहिए, नहीं मिल रहा। अपने समय के अंदर 10 लाख बच्चों को नौकरी देने का हमने काम किया, परंतु इस सरकार ने यह कोशिश कर दी कि कभी टेप के अंदर फंसा दो, कभी कोर्ट के चक्कर में घुमा दो, किसी भी तरीके से इस तरीके से गोल गोल कर कर आगे और किसी को नौकरी देने का काम नहीं करना। पिछले 5 साल के अंदर 10-15-20 हजार लोगों को नौकरी मिल गई होगी तो मैं समझती हूँ धन्यवाद। मैं सब हमारे बच्चों को कहना चाहती हूँ कि टेट का अलग प्रबंधन हम लोग करेंगे और अलग प्रबंधन करके जिस तरीके से आरटीएससी के द्वारा हम लोगों ने बच्चों को नौकरी दिलवाने का काम किया था, भाइयों हम फिर से उसको करने का काम करेंगे, इसके ऊपर आप विश्वास रखिए। माता बहने आप लोग सबको मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि कांग्रेस की सरकार जब भी आती है कमर तोड़ अपने साथ महंगाई लाती है। पेट्रोल और डीजल की क्या हाल है और किसानों के खाद और बीज का क्या हाल है आप लोग सब अच्छे से जानते हैं। इसके ऊपर तो महंगाई हो गई, परंतु अगर किसान अपना माल ले जाता है बाजार के अंदर तो उसको सही दाम मिलते नहीं। माता बहने जब बाजार के अंदर चली जाती है टमाटर के क्या दाम हो गए, माता बहने बताओ प्याज के क्या दाम हो गए, हाँ वो तो अभी तो बढ़ते ही गए, और तो और नमक के क्या दाम हो गए, ये तो बताओ बचा क्या है। गरीब जिंदा रहेगा तो कैसे जिंदा रहेगा, और ये 63 साल से गरीबी हटाओ के नारे के ऊपर मौज मस्ती कर रहे हैं, उन्होंने राज किया है तो ये गरीबी के नारे के ऊपर उन्होंने गरीबी हटाई नहीं है, गरीबी बढ़ाने का जरूर काम इस देश के और इस प्रदेश के अंदर किया है। ऐसे लोगों को उस कुर्सी पे बैठने का भाइयों अपन फिर से मौका देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। जो लोग हमारी महिलाओं की सुरक्षा नहीं रख सकते, जो हमारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, जिनके पांच पांच मंत्री महिलाओं के अत्याचार की वजह से हम लोगों को कैबिनेट से निकालना पड़ता है, ऐसी सरकार को क्या फिर से उस कुर्सी पे बैठने का हक देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। और मैं आप लोग सबको विश्वास देना चाहती हूँ कि अभी अभी घोषणा पत्र जारी हुआ है, पिछला घोषणा पत्र तो पूरा ही नहीं कर पाए, नए जिले बनाने की घोषणा थी नहीं पूरे हुए, 24 घंटे बिजली देने की थी वो नहीं पूरा हुआ, बिजली के दाम नहीं बढ़ाने के थे वो तो पूरे ही नहीं हुए, क्योंकि 9 बार बिजली के दाम बढ़ चुके हैं। कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतन देने की बात थी वो नहीं हुआ, 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात थी वो नहीं हुआ, 30 दिन में बिजली कनेक्शन देने की बात थी किसी को मिला 30 दिन में कनेक्शन बताओ जरा कोई है, किसी को नहीं मिला। और आपके ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर पैरामेडिकल नर्सिंग और रिक्त पदों के ऊपर नियुक्ति देने का काम हुआ क्या? कहीं नहीं हुआ। पंचायत सेवा कार्ड के माध्यम से हर साल ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, किसी को मिला? किसी को मुआवजा मिला? किसी को नहीं मिला। ये तो पूरी थी घोषणा पिछले टाइम की 2008 की, किसी को पूरा नहीं कर पाए, और अभी अभी वैसे नए घोषणाओं ने शुरू कर दिया, नया घोषणा पत्र चालू किया है। जो सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर सकती भाइयों, उसको उस कुर्सी पे बैठने का हक है। मैं आप लोगों को आज कहना चाहती हूँ कि हमने तय कर लिया कि एक नया राजस्थान बनेगा, एक ऐसा राजस्थान बनेगा जिस राजस्थान के अंदर हमारे बच्चे अपने मजबूत होकर खड़े होकर उनको रोजगार मिले, एक ऐसा राजस्थान जिसके अंदर हमारी महिला अपने अधिकार के लिए लड़ सके, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारी महिला सुरक्षित रहे, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारा किसान मजबूत हो। बोलो भाइयों, एक इस नए राजस्थान के साथ जुड़ना चाहोगे? क्या आप 5 साल की सरकार चाहोगे कि 5 महीनों की? हम 5 साल की सरकार देने को तैयार है, जुड़ोगे? अगर जुड़ोगे तो दादा यहाँ आपके सामने खड़े हुए, मैं अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको छोड़ के यहाँ जा रही हूँ, सब में नहीं रह सकती, प्रतिनिधि मानिए चाहिए नहीं ली। मैंने कहा मुझे आपकी माला नहीं चाहिए, मैं जनता से पहले ये पूछूंगी कि आपको मैं माला पहनाऊंगी उनकी तरफ से,